हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे दिल्ली के अक्षरधाम टेंपल में आई हूँ और यहाँ पे काफी भीड़ है, काफी बड़ा परिसर है, लगभग 100 एकड़ में, इसीलिए वर्ल्ड वाइड फेमस भी है। ये एक हिंदू टेंपल है और यहाँ के देवता जो है वो स्वामी नारायणन है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर है जिनमें से एक है दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर, जहां आप दिल्ली मेट्रो के जरिए आराम से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर दिल्ली की ब्लू लाइन मेट्रो से सैर कर रहे हैं तो भी आप इस मंदिर को देख सकते हैं। अक्षरधाम, अक्षरधाम का अर्थ है ईश्वर का दिव्य निवास। ये भक्ति, पवित्रता और शांति के स्थान के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में लाखों हिंदू साहित्यों, संस्कृतियों और कलाकृतियों को मनमोहक अंदाज में दर्शाया गया है। मंदिर में प्रवेश फ्री है लेकिन अंदर जाने के अलग अलग चार्ज हैं। मंदिर में अंदर जाने के कुछ विशेष नियम भी बने हैं। प्रवेश करने के लिए ड्रेस कोड भी बना है। आपके कपड़े कंधे और घुटने तक ढके होने चाहिए क्योंकि वस्त्र भी संस्कार और संस्कृति के परिचायक होते हैं। अगर आपने ऐसे वस्त्र नहीं पहने हैं तो आप यहाँ 100 रुपये शुल्क देकर वस्त्र किराए पे ले सकते हैं। मंदिर में मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी सामान है तो वहाँ पे क्लॉक रूप में जमा करवा सकते हैं। इस तरह की फॉर्म दी जाती है और इसके बाद एक टोकन दिया जाता है। आपका सामान बिल्कुल सेफ रहता है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू परिसर होने के नाते इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और आध्यात्मिकता की आत्मा को दर्शाता है। मंदिर निर्माण में वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र की हर बारीकी को ध्यान में रखा गया है। पचास फुट लंबे, 315 फीट चौड़े और 141 फीट ऊंची स्मारक है। 100 एकड़ में फैला यह स्वामी नारायण जी का एक अनोखा तीर्थ है जो कम से कम 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्यतिथि में बनवाया गया है। इनके दर्शन करने के लिए लगभग 10 लाख पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। मंदिर के बीच के गुंबद के नीचे 11 फुट ऊंची स्वामी नारायण भगवान की अभय मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति। स्वामी नारायण मंदिर जातिगत गुरुओं के विचारों की प्रतिमाओं से घिरा हुआ है। स्वामी नारायण में बनी हर एक मूर्ति हिंदू परंपरा के अनुसार पंच धातु से बनी हुई है और इस मंदिर में सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी शामिल हैं। मंदिर में कुल 234 नक्काशीदार पिलर, 9 गुंबद और लगभग 20,000 मूर्तियां हैं, जो आध्यात्मिकता का परिचय दे रही हैं। मंदिर को बनाने में स्टील, इस्पात और कंक्रीट का यूज नहीं किया गया है। इस मंदिर में 234 आभूषित किए हुए पिलर, 9 गुंबद और तकरीबन 20,000 साधुओं, अनुयायियों और आचार्यों की मूर्तियां हैं। इनकी नक्काशी बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी खूबसूरती पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
इस मंदिर के निचले भाग में गजेंद्र पीठ भी है और हाथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्तंभ भी बनाया गया है। हिंदू साहित्य और संस्कृति में इसे बहुत महत्व दिया गया है। इसमें 148 विशाल हाथी बनाए गए हैं जिनका वजन तकरीबन 3000 टन होगा। मंदिर परिसर के भीतर ही नीलकंठ नाम का एक थिएटर है जहां स्वामी नारायण के जीवन से जुड़ी झांकियां प्रस्तुत की जाती है। मंदिर के साथ साथ यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लोगों के मन को मोह लेने वाला है, जिनकी धुन पर स्वामी नारायण जी की जीवन यात्रा की सुंदर कथा का वर्णन किया जाता है और फाउंटेन से निकलने वाले तरह तरह के प्रकाश और पानी के भाव लोगों का मन जीत लेते हैं। यहाँ होने वाले लेजर शो का नजारा भी मनमोहक है। ये शो शाम के समय लगभग 25 मिनट के लिए होता है, जिसकी टिकट एडल्ट के लिए 90 रुपये है और 4 से 11 साल बच्चों के लिए 60 रुपये है और वहीं 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। अक्षरधाम मंदिर सोमवार को बंद रहता है और बाकी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक एंट्री कर सकते हैं।